हम तुमको बताए थे तुम्हारा किडनी जो होता है, पहले तो लोकेशन याद रखना है, किडनी क्या काम करता है, फिल्टर करता है हमारे बॉडी में बहुत सारा जो टॉक्सिक वेस्ट है उसको निकालता है। दूसरा चीज यहाँ पे क्या बताए थे, किडनी का दो रीजन होता है, आउटर रीजन को एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। हम तुमको ये बात बताए थे कि एड्रीनल वर्ड यूज करो, क्यों? क्योंकि ब्रेन के भी आउटर रीजन को कॉर्टेक्स और क्या बुलाते हैं अंदर वाले रीजन को मेडुला, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये बता दिए कि एड्रीनल जो हो गया रिलेटेड टू क्या हो गया, किडनी हो गया, ठीक है। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स को फिर हम तुमको डिवाइड किए थे, तो सबसे पहले हम बताए थे बोमेंस कैप्सूल जो सी शेप का होता है, जो किस शेप का होता है, सी शेप का। तो अब चलो दिखाते हैं हम तुम लोग को, आज हम एक वीडियो भी देख के रखे थे जिसमें तुमको बहुत फायदा मिलेगा, हाई डेफिनेशन वीडियो है वो, ध्यान से देखना कि कैसे वो काम करता है। तो तुम्हारे सामने सबसे पहला जो आने वाला है वो है किडनी का फिगर, तो ध्यान देना सब बच्चा कैसे पूरा माइक्रोस्कोपिक कहां तक अंदर तक गया है, तो ध्यान दे। और आज हम लोग इसके फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो एक बार रिविजन के लिए वीडियो देख ले तुम लोग जो कि इम्पोर्टेंट है। A cortex and a medulla. As we zoom into the cortex region, it shows. ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले ये दिखाना चाह रहे हैं कि बॉडी में तुम्हारा किडनी कहाँ सिचुएटेड है, और किडनी के बारे में फिर बताएगा कि कैसे उसको सब डिवाइड किया गया है। तो सब बच्चा ध्यान देना यहाँ पे और सुनना। The excretory system in human beings consists of a pair of kidneys, a magnified view of. देख ये है, ये जो दिख रहा है तुम लोग को, दिस इज डायफ्राम, ठीक है। ये जो है क्या है, डायफ्राम, और ऊपर में जो ये जो तुमको दिख रहा है दो स्ट्रक्चर, दिस आर लंग्स। ये जो आ रहा है ये क्या है, आउटा, ठीक है। और एक जो जा रहा है ये इंफीरियर वेना कावा की तरफ जाने वाला है। अब यहाँ से ये जो गया है रेड वाला क्या है, दिस इज रीनल आर्टरी, और ब्लू वाला जो है वो क्या है, रीनल वेन। ये जो ऊपर में टॉप में दिख रहा है, हम सारा लेवलिंग कर रहे हैं, इसको नाम तुम लोग बताओ क्या बुलाते हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल ग्लैंड, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो भैया, ये आपका जो है इस नॉच को क्या बुलाते हैं, हीलम। किसी किसी बुक में हीलम लिखा रहता है या हाइलस लिखा रहता है, तो ये चीज ध्यान रखना है। हम लोग को आईसीसी से हाइलम लिखने बोल रहे हैं, इन कल हम लोग जो पढ़े थे वो हाइलस लिखा रहा था, तो दोनों चलेगा, बुक के अकॉर्डिंग हाइलम लिख सकता है, हीलम। अब इसके बाद तुम लोग देख सकते हैं इससे जो निकल रहा है रीनल आर्टरी हो गया रेड कलर वाला, लेकिन फिर बता रहे ब्लैक एंड व्हाइट पेपर आता है तो उससे तुमको डिफरेंस नहीं, दिक्कत नहीं होगा। तो रीनल आर्टरी, रीनल वेन लिखना है तुम लोग को। फिर इसके नीचे जो ये पाइप निकलता है, इस पाइप का नाम कौन बच्चा बताएगा मेरे को, दिस पैसेज इज नोन एज यूरेटर, वेरी गुड, यूरेटर। इसको क्या बुलाते भैया हम लोग, यूरेटर बुलाते हैं, यूरेटर, एक मिनट, यूरेटर बुलाते हैं, ठीक है। और यूरेटर इज अटैच्ड टू यूरिनरी ब्लैडर, और उससे क्या होता है, स्फिंक्टर मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से, बाय स्फिंक्टर मसल्स के एक्शन से यूरिन बॉडी से पास हो जाता है। और ओपनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर को क्या बुलाते हैं, इसके ओपनिंग को यूरेट्रा, वेरी गुड, ठीक है। तो ये सारा लेबलिंग तुम लोग को अच्छे से याद है। अब लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ किडनी, इसको क्या किया गया, इसको काट के हटाया गया, तो अच्छा है, देखो तुमको साफ दिख रहा है, दिस इज लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन। तो दो तरह से काटा जा सकता है ऑब्जेक्ट को, एक लॉन्जिट्यूडिनल ऐसे करके और एक लैटिट्यूडिनल ऐसे करके। टू प्रोमिनेंट रीजंस, अ कॉर्टेक्स एंड अ मेडुला। तो कल ये तुम लोग को बताया गया था कि आउटर रीजन जो होता भी है उसको कॉर्टेक्स बुलाते हैं, और अंदर वाले रीजन को क्या बुलाते हैं, मेडुला। अब और अच्छे से अगर तुम लोग ये देखोगे और तुमको अगर याद आ रहा होगा, तो कल तुम लोग को भैया ऐसे करके बोले थे कि एक पिज्जा जैसा ऐसा शेप था, इसको ऐसे ऐसे करके क्या स्लाइस का ये वाला बताए थे, इसके एपेक्स को क्या नाम बताए थे तुम लोग को, बताए इसको क्या बुलाते हैं भैया, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज पिरामिड, ठीक है। ये पूरे स्ट्रक्चर को, एपेक्स को पेपिला बुलाते हैं, वेरी गुड, एपेक्स को जो है वो क्या बुलाते हैं, पेपिला बुलाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है। और पेपिला जो सबका है वो कहाँ से जुड़ जाता है, Elvis. Very good. ये ऐसे करके तुम लोग को कल स्ट्रक्चर बना के दिखाए थे, ये जो स्ट्रक्चर था इसी से यूरेटर ज्वाइन करता है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बुलाते हैं हम लोग, पेल्विस बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, पेल्विस बुलाते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखना है तुम लोग को, वेरी गुड, नाम का याद है तुम लोग को। अब देखो आप, हाँ कोई कुछ बोल रहे है भैया, आपको भेज दिए, अच्छा ठीक है, देखते पहले ये कम्प्लीट कर लेते उसके बाद देखेंगे उसको। Cortex region, it shows the presence of numerous nephrons. कल देखो millions of nephrons का बात क्या था, हम तुमसे फिर पूछ रहे what is the structural and functional unit of kidney? Nephron. और नाम बता सकता है उसका? Nephron, renal tubule, ठीक है, uriferinous tubules, ये सब उसी का नाम है।
ईच नेफ्रॉन अपने बॉडी के अंदर है, सोचो ये हम लोग के बॉडी के अंदर का पूरा पार्ट दिखा रहा है, वो भी किडनी के अंदर का दिखा रहा है, वो भी मिलियंस ऑफ बता रहा है कि नेफ्रॉन्स आपके हैज अ बोमेंस कैप्सूल अप्रोक्सिमल, इसमें से ये एक को हाईलाइट कर रहा है, तुम लोग जरा सा देख इसको कितने को हाईलाइट कर रहा है, एक कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल अ लूप ऑफ हेनले अ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल दैट लीड्स टू अ कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो ये तुम लोग को एक एक करके हाईलाइट करके दिखाया, तो बोला सबसे पहले बोमेंस कैप्सूल, देन पीसीटी, देन लूप ऑफ हेनले, एंड देन क्या आ गया आपका डीसीटी, और लास्ट आ जाता है कलेक्टिंग डक्ट। तो ये हम तुम लोग को कल बताए भी थे, और इसको अगर सिंपल डायग्राम में देखना है तो देखो, हम एक और डायग्राम के लिए रख रखे हैं, सब अच्छा देखना है यहाँ पे। Nephrons are convoluted in the cortex region. इसका और सिंपल स्ट्रक्चर जो तुमको करना है ये रहा, ठीक है, तो यही स्ट्रक्चर को वहां पे वो क्या क्या है हाईलाइट किया है, ठीक है। इसके बाद पहले हम लोग पहले ये कंप्लीट करते हैं, उसके बाद इस पे भी आएंगे। चलो देखो इसको, एंड स्ट्रेटन आउट एज लूप्स इन द मेडुला रीजन। अच्छा, कल हम तुम लोग को बताए थे कि जो यहाँ पे नेफ्रॉन है, ठीक है, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, अफेरेंट आर्टियोल से, ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है अफेरेंट, और कहाँ निकलता है इफेरेंट पे। तो अफेरेंट मोटा होता है और इफेरेंट पतला होता है, तो अभी देखो वो बताएगा। Nephron has a Bowman's capsule, which is a cup-shaped structure that has a layer made of squamous epithelial cells. कल पढ़े थे ना कि Bowman's capsule जो होता है वो थीन लिखा हुआ था, थीन स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स का बना रहता है, क्यों, क्योंकि उसको ग्लोमुलस फिल्ट्रेट रिसीव करना है। ये जो अभी स्ट्रक्चर दिखाने जा रहा है ये आपका क्या है भैया, ग्लोमुलस, ये क्या होता है, ये आपका कैपिलरीज होता है, जिसमें नॉट लाइक मास ऑफ कैपिलरीज बताएगा अभी तुम लोग को, इसका काम क्या होता है, ये सब चीज अभी तुम लोग को जानना है, तो अच्छे से देखो और समझने का कोशिश। In the cavity of the Bowman's capsule, there is a bundle of capillaries known as the glomerulus. The blood vessel entering the Bowman's capsule is known as the efferent artery. देखो कितना अच्छा से इस वीडियो में बताया। The blood vessels entering the Bowman's glomerulus is known as efferent arteriole. उसको क्या बुलाया जा रहा है? Efferent. हम तुमको बोल भी दिए और इस पे डिफरेंस आया हुआ बोर्ड एग्जाम में कि जो एंटर कर रहा है उसको क्या बुलाते हैं? Efferent arteriole. देख ले यार, नाम भी आ गया है। और जो निकल रहा है, and it is thicker, ये क्या है? तुम लोग अपने बुक में वहां लिख लेना, ये थीकर है और ये जो निकल रहा है, जो एरो दिखा रहा है, इसको अभी आएगा, ये भी efferent arteriole बुलाते हैं, और ये जो होता है उससे क्या हो जाता है, थीनर हो जाता है, उससे क्या हो जाता है, थीनर हो जाता है, which is thinner and is known as the efferent arteriole. The Bowman's capsule and the glomerulus together form the malphigian. ये भी कल बताए थे तुम लोगों को कि बोमेंस कैप्सूल प्लस ग्लोमुलस को हम लोग क्या बुलाते हैं, माल्फिजियन कैप्सूल बुलाते हैं। तो ये चीज तुम लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि नेम दी फॉलोइंग का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बताओ द बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमुलस आर कलेक्टिवली नोन एज, तो क्या लिख दोगे, माल्फिजियन बॉडी, माल्फिजियन कैप्सूल, जो लिखना है लिख के आ सकता है। Body. This capsule extends into the proximal convoluted tubule PCT on the inner side. This tubule is lined by a brush-bordered epithelium with numerous microvilli. This PCT leads into the loop of Henle, which lies in the medullary region. It is. क्या बोला? It leads to loop of Henle, which lies to medullary region. तो हम तुम लोग को कल भी ये चीज बना के दिखाए थे, ये डायग्राम ऐसे करके हम कल तुम लोग को बना के दिखाए थे कि कौन सा पार्ट इसका कॉर्टेक्स में लाई करता है, कौन सा पार्ट इसका मेडुला में लाई करता है। तो हम तुम लोग को ये चीज मेंशन कर दिए थे कि ये वाला जो पार्ट है, दिस लाइज इन एड्रिनल कॉर्टेक्स, और ये नीचे वाला जो पार्ट है वो कहाँ लाई करता है, मेडुला में। तो खाली कौन लाई कर रहा है भैया, लूप ऑफ हेनले लाई कर रहा है, सिर्फ कौन लाई कर रहा है, लूप ऑफ हेनले। तो इस चीज को ध्यान रखना है तुम लोग को, लूप ऑफ हेनले कहाँ पे लाई कर रहा है भैया, ये आपका लाई कर रहा है मेडुला में, और बाद बाकी सब जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, कॉर्टेक्स में। आ जाओ वापिस से वीडियो में। U shaped and has a descending limb and an ascending limb. ठीक है, इसमें वही बता दिया, जो नीचे की तरफ जा रहा है वो descending हो गया, ऊपर जा रहा है उसको ascending limb बुला दिया, loop of Henle का ये part है। This further leads into the distal convoluted tubule, which is again seen in the cortex region, and it finally joins the collecting duct. तो यहाँ तक जो बताया है, वापिस से स्ट्रक्चर बताया, एक बार हम वापिस से याद दिला दिए, क्योंकि यही इस चैप्टर का बेस है पूरा,
यही सबसे नया चीज है, यही तुमको पढ़ना है, यही क्वेश्चन आना है, तो ये चीज ध्यान रखना है तुम लोग को। अब हम जो आज पढ़ाने वाले थे इनका फंक्शंस बताना है, तो ध्यान देना फंक्शंस के बारे में कि कौन कैसे परफॉर्म काम कर रहा है वो देखना है। As blood flows through the glomerulus, water, salts and waste diffuse into the Bowman's capsule. This liquid then passes into the PCT and the loop of Henle, where water and important salts are absorbed back into the blood. हम एक बात बताए थे कि excess salt और excess sugar जो होता body से remove हो जाता है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, water and important salts are absorbed back, ठीक है? ऐसा नहीं होता सारा पानी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता, सारे सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता, नहीं, जो एक्सेस होता है उसको निकाल दिया जाता है और जो यूजफुल होता है उसको बॉडी रीअब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है? तो ये जो काम हो रहा है वो ये लोग का पर्सन परफॉर्म कर रहा है, तो वही चीज तुमको देखना है। The waste material like urea and some water molecules proceed into the DCT, where more water may get absorbed into the interstitial fluid. This liquid formed is the urine, which is released into the collecting duct. ये कहाँ तक पहुँच गया? Collecting duct. तो हम तुम लोगों को लास्ट बात बताए थे कि collecting duct जो होता है, collecting duct क्या करता है कि body में जो भी This finally trickles through the kidney into जो बॉडी में जो भी यूजफुल होता है वो क्या हो जाता है, रीअब्सॉर्ब हो जाता है और ऊपर ये चला जाता है, और जो यूज का नहीं होता है वो कहाँ चला जाता है, वो पेल्विस वाले रीजन में चला जाता है, वो कहाँ चला जाता है, पेल्विस वाले रीजन में, और जो यूज होता है वो बॉडी जो होता है वो क्या करता है, रीअब्सॉर्ब कर लेता है। तो इस चीज को ध्यान रखना, तो वही वो डायग्राम से दिखाना चाह रहा है, तो ध्यान से देख ले तुम लोग सब बच्चा। Which helps the passage of urine into the urinary bladder. After a while, the urine can be excreted from the bladder. To summarize, the excretory system in human beings consists of a pair of kidneys. ठीक है, तो अब ये summarize कर रहा है उसको, तो यही चीज है। अब हम तुम लोग के book में आते हैं, जो book में दिया हुआ है, ध्यान से देखना पहले तुम लोग, और फिर हम लोग functions इसका करेंगे। चलो देखो यहाँ पे, तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी ट्यूबुल हम तुम लोग को बता चुके थे, अब तुम लोग को आज जो बताना है मेरे को, इसका फंक्शंस बताना है, ठीक है? देखो इसमें क्या बताता है। बट ब्लड सप्लाई टू द किडनी, तो यहाँ पे देखो सबसे पहला चीज, ये सब जो बता रहा है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ये सब चीज हम तुम लोग को बता दिए कि कहाँ पे कौन प्रेजेंट रहता है, मिडिल लूप ऑफ हेनले, हाँ ये बता दिए थे, डिस्टल बता दिए थे, ये बताना था। ब्लड सप्लाई टू किडनी ट्यूबुल, चलो ब्लड कौन सप्लाई करता है, तो तुम लोग सबको पता है, इससे पहले हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़े थे, उसमें क्या पढ़े थे कि आउटर से टू ऑल बॉडी पार्ट्स ब्लड आने वाला है, लिखता पेयर ऑफ रीनल आर्टरी ब्रांच ऑफ टू दी डॉर्सल आउटर, ओके, टू एंटर टू रिस्पेक्टिव किडनी, कौन आया, हम तुम लोग को ये भी बता चुके थे कि आर्टरी जो होता है किसी भी ऑर्गेन की तरफ क्या करता है, ब्लड लाता है, और कौन ले जाता है, वेन लेके जाता है, आर्टरी किसी भी ऑर्गेन की तरफ क्या करता है, ब्लड लाता है और वेन जो होता है वो लेके जाता है, तो कौन ला के दे रहा है यहाँ पे, किडनी में ला के दे रहा है, तो किडनी के लिए हम क्या यूज करते हैं, रीनल वर्ड यूज करते हैं, तो जो लेके आया वो क्या हो गया आपका, रीनल आर्टरी हो गया, और जो लेके गया वो आपका क्या हो गया, रीनल वेन हो गया। तो यहां तक जो पहुंचा वो कहां से पहुंचा है, आउटा से पहुंचा है, कहां से पहुंचा है, आउटा से, तो देख लो वही लिखता है, पेयर ऑफ रीनल आर्टरी ब्रांच ऑफ फ्रॉम द डॉर्सल आउटा टू डॉर्सल नीचे की तरफ जो आता है टू एंटर द रिस्पेक्टिव किडनी, किडनी में एंटर कर गया, फिर लिखता है यार रीनल आर्टरी ब्रांचेस एंड री ब्रांचेस सेवरल टाइम्स टू गिव राइज़ टू आर्टियोल, तुम लोग को पता है आर्टरी जो होता है डिवाइड कर जाता है क्या चीज में, आर्टियोल्स में, इस
सच आर्टियोल एंटर है बोमेंस कैप्सूल अंडर द नेम ऑफ एफरेंट आर्टियोल. देख ले यहाँ पे ये जो एंटर कर रहा है इसका नाम जो दिया वो क्या दिया है, एफरेंट आर्टियोल दिया है. इसका नाम जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, एफरेंट आर्टियोल. तो वही बताया कि आर्टरी का जो ब्रांचेज होता है उसी में से एक ब्रांच का नाम क्या दे दिया, अफरेंट आर्टियोल, जो कि किडनी के नेफ्रॉन में एंटर कर रहा है. अब यहाँ पे देखो तो दिस अफरेंट आर्टियोल ब्रेक इनटू नंबर ऑफ कैपिलरी. तुम लोग को ये भी पढ़ाया गया था सबसे पहला ही दिन कि आर्टरी ब्रांच कर जाता है आर्टियोल में, आर्टियोल फिर और फाइन नेटवर्क में टूट जाता है जिसको कैपिलरीज बुलाते हैं. फिर यहाँ पे ये क्या बना लेता है, वेन्यूल्स में चेंज हो जाता है और फिर इससे क्या निकल जाता है, वेन्स निकल जाता है. तो बार बार हर दिन ये बात हम बता रहे हैं. तो वही लिखता है कि यहाँ पे जो ये बीच में तुमको ये नॉट लाइक मास दिख रहा है जिसको ग्लोमेरुलस बुला रहे हैं वो एक कैपिलरीज है. ठीक है, वो क्या है, कैपिलरी. तो लिखता है यहाँ पे फिटेड इनसाइड द बोमेंस कैप्सूल जो तुमको दिख रहा है, रेड वाला पार्ट इज ग्लोमेरुलस और येलो वाला पार्ट जो है यहाँ पे, ये येलो वाला जो पार्ट है वो क्या है आपका, बोमेंस कैप्सूल ग्लोमेरुलस है. वो क्या है आपका, रेड वाला पार्ट ग्लोमेरुलस है और येलो पार्ट क्या है, बोमेंस कैप्सूल. कंफ्यूज नहीं होना है किसी को, ठीक है. रेड वाला पार्ट ग्लोमेरुलस है और येलो वाला पार्ट क्या है, बोमेंस कैप्सूल. और दोनों को कलेक्टिवली क्या बुलाते हैं हम लोग, गिरधर सर. लेकिन बात क्या है यहाँ पे कि बच्चा लोग डिटेल में नहीं पढ़ता. वासा रेक्टा वर्ड आया हुआ है बुक में और बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है, जरा यहाँ पे ध्यान देना तुम लोग. ये जो वासा रेक्टा वर्ड जो बता रहा है ध्यान से सुनो क्या लिखता है, द इफेरेंट आर्टियोल. भैया जो ये आर्टियोल निकला है ध्यान देना सब बच्चा, द इफेरेंट आर्टियोल आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम बोमेंस कैप्सूल, जो बोमेंस कैप्सूल से निकला, रन से शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ा दूर भागा, ये देख ये यहाँ पे भागा और फिर बहुत सारे ब्रांचेस में टूट गया. बहुत सारे ब्रांचेस में क्या हो गया, टूट गया. लिखता है इंटू सेकेंडरी कैपिलरी नेटवर्क, ठीक है. और इसी नेटवर्क को क्या बुलाया जाता है, वासा रेक्टा बुलाया जाता है, विच सराउंड द रीनल टिब्यूल एंड रीजॉइंस टू फॉर्म अ वेन. तो ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे ये क्या होता है, इफेरेंट से निकलने के बाद में वापिस से क्या हो जाता है, टूट जाता है बहुत सारे कैपिलरी में, जिसके कारण से इसको सेकेंडरी कैपिलरी बुलाया जा रहा है. फर्स्ट कैपिलरी तो आपका भैया ग्लोमेरुलस हो गया और सेकेंड कैपिलरी जो है वो कौन हो गया, वासा रेक्टा. इसको जैसे ग्लोमेरुलस नाम दे दिया गया उसी तरह इसका जो नाम है वो क्या है, वासा रेक्टा नाम दे दिया गया है. तो ये चीज ध्यान रखना तुम लोग, वासा रेक्टा पूछता है लोकेशन में. Which surrounds the renal tubule and rejoins to form a vein. By uniting again and again with other veins in the kidney, it ultimately forms the renal vein. Last में तुम लोग देखो ये क्या बना दिया, renal vein. यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा होगा कितना बार ब्रांच हुआ, देखो एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, बहुत सारे बार टूटता है जुड़ता है, टूटता है जुड़ता करके ultimately वो क्या बना लिया, renal vein बना लिया. Which leaves the kidney at the median surface to pour the blood into posterior vena cava. और तुम लोग को बता रखे कि ये जो है ये कहाँ चला जाता है, हार्ट में चला जाता है, हार्ट के लोअर पार्ट में. लोअर पार्ट या ये बुला लो कि भैया जिससे लोअर बॉडी से वो ब्लड कलेक्ट करता है जिसको हम लोग पोस्टीरियर वेना कावा बुलाते हैं, या क्या नाम बुलाते हैं, इंफीरियर, वेरी गुड, इंफीरियर वेना कावा बुलाते हैं. ठीक है, तो लोअर बॉडी पार्ट से जो ब्लड कलेक्ट करता है वो कौन कलेक्ट कर लेता है, तो रीनल वेल से सीधा ब्लड कहाँ चला जाता है भैया, हार्ट में ब्लड चला जाता है. तो ये इसका सिस्टम बताया कि कैसे ब्लड घूम रहा है. तो वासा रेक्टा भी इंपॉर्टेंट है इसमें, ये ध्यान रखना है तुम लोगों को. अब फंक्शन देखो इसका क्या बताएगा, अब स्टार्ट करते फंक्शन. तो फंक्शन पढ़ाएंगे इतना सारा, ठीक है. लास्टली तुमको ये टेबल बोलेंगे कि टेबल से तुम्हारा काम बन जाएगा. हम तुमको इतना दिन से यही बोल रहे थे कि ये डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम जरा सा देखो, ये जो सबसे पहला पार्ट है उसी का खाली डायग्राम है. तो इसको डायरेक्टली ये क्वेश्चन बना के भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब डायग्राम बना के क्वेश्चन पूछा हुआ है. जैसे हम तुमसे पूछ लेंगे 1, 2, 3, 4 इनका नाम बताओ, 1, 2, 3, 4 चलो नाम बता दो पहले मेरे को तुम लोग खुद ही. 1 क्या है, वेरी गुड. 2 क्या है, इफेरेंट आर्टियोल. 3 क्या है, वेरी गुड. 3 जो है भैया वो क्या है, ग्लोमेरुलस है. 4 क्या है, बोमेंस कैप्सूल. अब चलो देखो हम इससे कितना क्वेश्चंस बना सकते हैं.
मेरे को बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वन एंड टू? फ्रंट आर्टरियल मोटा है, वाइड और टू नैरो है। वेरी गुड भैया, ए वन जो है वो थिकर होता है, ठीक है, और वाइडर बुला सकते हो तुम उसको, और इफेरेंट जो होता है, टू जो होता है वो क्या हो जाएगा, नैरोअर हो जाएगा। नेम द कॉमन टर्म फॉर ग्लोमल या कलेक्टिवली टर्म फॉर ग्लोमुलस एंड बोमेंस कैप्सूल, थ्री एंड फोर का कलेक्टिवली क्या बुलाया जाते हैं उसको, नाम मैल्फीजियन बॉडी। तुम लोग समझ में आ गया ऑलमोस्ट? अब इसका हम तुमसे पूछ लेंगे, मेरे को बताओ तीन का फंक्शन क्या है, चार का फंक्शन क्या है, तो चलो वही बताते। और ये ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, तुम अपने एक्सरसाइज में देखो, तुमको दिख जाएगा, ठीक है। इसी में डाल देंगे नेम द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, क्या लिखेगा तुम लोग बताओ? वेरी गुड, ठीक है। तो यही चीज है, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे, कोई क्वेश्चन तुम्हारे को नया नहीं लगेगा, बस तुम लोग का एग्जाम आ गया बीच में, इसलिए लेके हम टेस्ट नहीं ले पा रहे हैं, तुम लोग का हो जाता है स्कूल का, फिर लेंगे। अब यहाँ पे देखो फिर क्या बताता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या हो गया, और फाइनली, ठीक है, लिखता है यहाँ पे द ब्लड फ्लोस थ्रू द ग्लोमुलस अंडर ग्रेट प्रेशर। क्यों होता है बता दिए, देख लीजिए भैया, इसका पाइप जो है वो मोटा है और यहाँ पाइप क्या है, पतला। तो ऑब्वियस सब बात है, कल हम तुम लोग को बताए थे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेके कि मम्मी लोग क्या करती है, अनार का जूस या तुम्हारा नारंगी का जूस, अब तो भैया मोटर मशीन में डाल के बना लेती है, लेकिन क्या होता है कि जैसे एक वो क्या बोल देते, चकना ले लेते हैं और उसको दबाते हैं, ठीक है, इसमें ऐसे करके ले लिया जाता है और इसी में सारा सामान रख दिया जाता है, अब इसको ऐसे करके दबाया जाता है तो क्या हो जाता है, इससे जूस निकलता है। उसी तरह यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सेम देखो वो वैसा ही है, यहाँ पे ये सेम वैसा ही है, इससे ये जो एरो दिख रहा है इससे क्या हो जाता है, ये लिक्विड पार्ट निकलता है, सॉलिड पार्ट तो क्या हो जाता है भैया, अंदर में क्या हो जाता है, जो उसमें जो रहता है सारा अनार अनार उसी के अंदर रह जाता है, जो जूस होता है वो बाहर आ जाता है। तो सेम यहाँ पे भी वही चीज हो रहा है, द ब्लड फ्लोस थ्रू द ग्लोमुलस अंडर ग्रेट प्रेशर विच इज मच ग्रेटर देन इन कैपिलरीज एल्सवेयर, द रीजन फॉर दिस ग्रेटर प्रेशर इज दैट efferent arteriole is narrower than afferent arteriole। Underline करो और यहाँ पे एक reason लिखो RSN। हमको तुम लोगों को बता रखे RSN किस लिए लिखवाते हैं? RSN give reason का एक question है, तो तुमसे पूछा जा सकता है। तो सीधा सा लिखना है यहाँ पे कि afferent arteriole जो होता है वो क्या होता है? Narrower than क्या होता है? Afferent arteriole। इसीलिए यहाँ का pressure क्या होता है? ज़्यादा होता है। चलो ये हो गया। This high pressure, hydrostatic, hydro means water और water के कारण से यहाँ पे pressure built up हो रहा है। Cause the liquid part of the blood to filtered out. So liquid part of the blood is filtered out. हम बार-बार तुमको बता रहे कि juice निकल जाता है, तो यहाँ पे भी blood का कौन सा part filter out हो गया? Liquid part. कहाँ filtered हो जाता है? From the glomerulus into renal tubule. कहाँ से कहाँ? तुम लोग देख लो जरा सा, glomerulus ये रहा, उससे कहाँ चला जाता है? आपका भैया Bowman's capsule में चला जाता है। अब आगे देखो फिर क्या लिखता है? During ultrafiltration, almost all the liquid part of the blood, plasma along with most of the organic inorganic substance including urea, glucose, amino acid etc. comes out of the glomerulus. देखो क्या क्या निकला, underline करो इसको, ये भी questions important है कि क्या क्या निकल जाता है, तो ध्यान देना क्योंकि इसका आगे हम लोग को काम आएगा। प्लाज्मा तुम लोग को सबको पता है, मेन तो लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड क्या है? प्लाज्मा है भैया। तो प्लाज्मा के साथ ही साथ और क्या होता है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में? यूरिया बताया, ग्लूकोज बताया, आपका इमीनो एसिड्स बता रहा है भैया, ठीक है, ये सारा पार्ट्स भी क्या हो जाता है उसी में निकल जाता है। किसमें? ये जो फिल्ट्रेट होता है उसी में। और कहाँ चला जाता है? पासेस इनटू फनल शेप्ड कैविटी ऑफ बोमेंस कैप्सूल, इधर चला जाता है। द फ्लूइड एंटरिंग द रीनल ट्यूब्यूल इज कॉल्ड ग्लोमुलर फिल्ट्रेट, और जो फ्लूइड निकलता है उसको क्या बुलाते हैं? ग्लोमुलर फिल्ट्रेट बुलाते हैं। तो ये जो येलो पार्ट है दिस इज ग्लोमुलर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, उसमें निकल जाता है। द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंसिस्ट ऑफ, सुन लो क्या क्या होता है इसमें, वाटर होता है भैया, यहाँ पे कुछ वाटर एक्सेस में है और कुछ चाहिए बॉडी को, तो अभी आगे और कुछ होना है, यूरिया है, सॉल्ट है, ग्लूकोज है। तुम लोग बताओ, चलो यूरिया तो वेस्ट प्रोडक्ट है, ग्लूकोज वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी के लिए? नहीं, तो बॉडी को क्या करेगा? रीअब्सॉर्ब करेगा, जितना बॉडी को चाहिए उसको क्या करेगा? रीअब्सॉर्ब करेगा। एंड अदर प्लाज्मा सॉल्यूट्स, the thicker part of the blood left behind in the glomerulus after ultrafiltration, namely the two kind of corpuscles, protein and the other molecules are carried forward through the efferent. तो तेरे को बता चुके ये चीज भैया, लिक्विड पार्ट निकल गया और जो सॉलिड पार्ट और बॉडी को जो ज्यादा जरूरी है वो कौन आगे कैरी कर लिया? efferent arteriole कैरी कर लिया, और लिक्विड पार्ट जो है वो कहाँ चला गया? ठीक है, along with क्या क्या बताया, glucose, urea, salt, वो नीचे चला गया। तो हमको नहीं लगता यहाँ तक किसी को दिक्कत होगा। अब सुनो, thus the blood proceeding away from the glomerulus is relatively
ठीक। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, इससे जो ब्लड निकल रहा है इसीलिए वो क्या होता है, इससे जो ब्लड निकल रहा है वो क्या होता है, थिक होता है। क्यों थिक होता है बताओ जल्दी से मेरे को, क्योंकि भैया सारा लिक्विड पार्ट हम क्या कर दिए हैं, फिल्ट्रेट निकाल दिए, ठीक है। यहाँ पे हम ब्लड वेसल्स का बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करें जो ब्लड इससे निकलेगा वो थिक होगा, ठीक है, कंफ्यूजन मत रखना। ये जो थिक लिखे हैं ये क्या चीज के लिखे हैं, वो ब्लड के लिए लिखे हैं, तो इससे जो ब्लड निकल रहा है भैया वो थिक होगा, वो क्या होगा थिक, क्योंकि आप सारा लिक्विड पार्ट उसका क्या कर दिए, निकाल दिए। अब आता है रीअब्सॉर्प्शन, तो नेक्स्ट स्टेप में ये कहां पहुंच गया है, वुमेन्स कैप्सूल में पहुंच गया है। तुम लोग जरा सा टेबल में देखो, ग्लोमुलस में क्या हुआ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, क्या हुआ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, वुमेन्स कैप्सूल क्या किया उसको रिसीव किया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को क्या किया बस रिसीव किया। अब नेक्स्ट इसके बाद कौन आता है बताओ तो मेरे को, पीसीटी। हाँ पीसीटी, ठीक है। तो भैया इसके बाद पीसीटी आता है, उसका फंक्शन देखेंगे, चलो देखते हैं। तो रीअब्सॉर्प्शन, तो भैया अभी आप लोग को बताए थे इस पे ध्यान देना कि क्यों, क्योंकि अभी इसको रीअब्सॉर्ब करने वाला है, यूरिया ग्लूकोज एमिनो एसिड्स में दोनों जो है जो बॉडी को यूज है उसको रीअब्सॉर्ब करने वाला है। तो सुनना, द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एंटरिंग द रीनल ट्यूब्यूल इज नॉट यूरिन। अब तुम यहाँ पे एक बात बताओ, इससे जो पानी निकल गया लिक्विड पार्ट क्या वो यूरिन हो गया, ये कहना सही है, तुम लोग से पूछ रहे हैं क्या वो यूरिन कहना सही है? नहीं भैया, नहीं, यूरिन जो है अभी भैया बना नहीं है, यूरिन कब बनेगा जब कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंचेगा। अभी इसको यूरिन इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसमें अभी भी बहुत सारा सस्पेंस ऐसा है जो बॉडी के यूज में है, ठीक है, जो बॉडी यूज ले सकता है। तो उस रीअब्सॉर्प्शन और सबको कलेक्ट करने के बाद जो फाइनली बचेगा उसको हम लोग क्या बुलाएंगे, यूरिन। अभी तक यूरिन नहीं बना है, तो यहाँ पे ध्यान दे, द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एंटरिंग द रीनल ट्यूब्यूल इज नॉट यूरिन, इट इज एन एक्सट्रीमली डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग ए लॉट ऑफ यूजफुल मटेरियल इंक्लूडिंग ग्लूकोज एंड सम अदर सॉल्ट ऑफ सोडियम, एज फिल्ट्रेट पासेज डाउन द ट्यूब्यूल मच ऑफ द वाटर रीअब्सॉर्ब टुगेदर विद द यूजफुल सब्सटेंस। तो ये सब में कुछ बताने का जरूरत नहीं है, तुम लोग को भी समझ में आ रहा होगा। बट देयर रीअब्सॉर्प्शन इज ओनली टू द एक्सटेंट दैट नॉर्मल कंसेंट्रेशन ऑफ द ब्लड इज नॉट डिस्टर्ब। अब एक और बात सुनो यहाँ पे, क्या बोला है यहाँ पे कि ये जो रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है क्या चीज का, सोडियम का, ग्लूकोज का, वो एक नॉर्मल कंसेंट्रेशन के बेसिस में होता है ताकि ब्लड का कंसेंट्रेशन डिस्टर्ब ना हो। तो इसीलिए इसको एक और टर्म दे दिया गया, दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो तुमसे अगर हम पूछें पीसीटी का क्या काम है, तो तुम एक लाइन में लिख सकते हो सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। जैसे यहाँ पे ग्लोमुलस का काम बताया तुमको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, वुमेन्स का काम बताया रिसीव ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, पीसीटी में क्या लिख सकते हो सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, पीसीटी में क्या लिख सकते हो, लिखा भी करो, ये नहीं कि हम खाली बोलते जा रहे तुम लोग कुछ नहीं लिखता है बाद, बाकी जो बच्चा लोग पढ़ा है तुम लोग को भी पता हम कितना बुक घिना देते हैं तुम लोग का, तो यहाँ लिख लिया कर, तेरे लिए हेल्पफुल होगा। क्या सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, और क्या चीज का रीअब्सॉर्प्शन हुआ वो लिखा हुआ वहां टेबल में, देखो रीअब्सॉर्ब मोस्ट वाटर अबाउट 2/3 पानी, देख ले क्या करता है, निकाल ले लेता है 2/3 पानी, तो वो पानी ले लेता है एंड मच ऑफ ग्लूकोज एंड सोडियम एंड क्लोराइड आयन, क्या क्या ले लेता है, ग्लूकोज सोडियम एंड क्लोराइड आयन को वापिस ले लेता है, ठीक है भैया। अब सेकेंड तुम लोग को भी पता, उसके बाद क्या आता है लूप ऑफ हेनले आ जाता है। अब आता है इसके बाद ट्यूबुलर सिक्रेशन, इसके बाद नहीं अभी ये और लेट है। यहाँ देखो लूप ऑफ हेनले में अब क्या होता है, सम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम आयन, जो हम तुमको सबसे पहला वीडियो दिखाए थे उसमें वो चीज दिखाया था, लूप ऑफ हेनले में सम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम आयन वापिस एब्जॉर्प्शन हुआ है, और लास्ट में आ गया आपका डिस्टल क्यूमुलेटेड ट्यूब्यूल डीसीटी, जिसमें रीअब्सॉर्प्शन ऑफ रिमेनिंग क्लोराइड्स एंड सम वाटर, वॉल सिक्रेट पोटेशियम एंड फॉरेन केमिकल सच एज पेनिसिलिन एंड अदर ड्रग्स इनटू द फॉर्मिंग यूरिन, ठीक है। बहुत बार यूरिन टेस्ट करवाया जाता है तो एक्चुअली में यही दवाई असर कर रहा है कि नहीं, या कोई बीमारी है कि नहीं, यहाँ पे ये देखने के लिए रहता है। तो यहाँ पे अब देखो ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या है, सर्टन सब्सटेंस लाइक पोटेशियम इन दी नॉर्मल कोर्स एंड ए लार्ज नंबर ऑफ फॉरेन केमिकल इंक्लूडिंग ड्रग्स लाइक पेनिसिलिन आर पास्ड इनटू द फॉर्मिंग यूरिन इन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो यहाँ पे भी बताया, ठीक है। दिस पैसेज इन्वॉल्व्स द एक्टिविटी ऑफ सेल्स ऑफ ट्यूबुलर वॉल एंड हेंस इट इज कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो यहाँ पे ये बोलना चाहता है कि इस प्रोसेस के दौरान क्या हुआ है कि बॉडी का जो भी पेनिसिलिन जो डिकम्पोज हो चुका है, जो यूज हो चुका है, वो भी क्या करता है ड्रग्स, ठीक है, ड्रग्स मतलब दवाई होता है यहाँ पे, ठीक है, वो बॉडी के क्या हो जाता है बाहर चला जाता है। तो यहाँ पे यही चीज है। अच्छा अभी तुम लोग देखता होगा टीवी में वो क्या नाम है,
रिया चक्रवर्ती वाला केस, ठीक है, ड्रग टेस्ट। तो ड्रग टेस्ट में भी जो तुम लोग ड्रग टेस्ट है, तो ड्रग टेस्ट में यूरिन का टेस्ट किया जाता है, क्योंकि अगर कोई ड्रग कंज्यूम किया रहता है तो उसके यूरिन में उसका क्या होगा, पार्टिकल्स पाया जाएगा। तो देख ले वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे ड्यूरिंग दिस कोर्स जो तुम लोग देख रहा है, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स का वॉल्स क्या कर रहा है, वो एक्सक्रीट कर रहा है कि सर्टन सब्सटेंस लाइक पोटेशियम इन दी नॉर्मल कोर्स एंड ए लार्ज नंबर ऑफ फॉरेन केमिकल्स। ठीक है, फॉरेन केमिकल्स मीन्स हो गया जो बाहर से इंट्रोड्यूस कराया गया है, इंक्लूडिंग ड्रग्स। ठीक है, ड्रग्स का मतलब होता है दवाई एक्चुअली। ठीक है, ये नहीं कि ड्रग्स का मतलब जो तुम लोग सोच रहे हैं वैसा वाला नहीं है, यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है लाइक पेंसिलिन एंड पास्ड इनटू फॉर्मिंग यूरिन इन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। ठीक है, दिस पैसेज इन्वॉल्व द एक्टिविटी ऑफ सेल्स ऑफ द ट्यूबुलर वॉल, अंडरलाइन कर लो इसको। अब ये दूसरा टर्म आ गया और इसी को क्या कहते हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो तुम लोग देख सकता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के लिए हम क्या वर्ड तुम लोग को बताए, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन बताए, और तुम्हारा डीसीटी के लिए क्या वर्ड यूज करा रहे, ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब इसके बाद जो रिजल्ट होगा फाइनल आफ्टर फिल्ट्रेट लेफ्ट आफ्टर रीअब्सॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन के बाद जो फिल्ट्रेट बचा है, जो लिक्विड बचा है, वो लिक्विड को क्या कहते हैं, यूरिन। ये कहाँ पहुंच जाएगा भैया, कलेक्टिंग डक्ट तक, एक ऊपर चला जाता है जो बॉडी में यूज हो गया है, और जो बचा वेस्ट है वो आपका कहाँ बढ़ जाएगा, पेल्विस की तरफ बढ़ जाएगा। कहाँ बढ़ जाएगा, पेल्विस। हम तुम लोग से पूछ रहे हैं, यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो डीसीटी में तुम लोग क्या लिखेगा, डीसीटी में भैया ट्यूबुलर सिक्रीशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ये सबका हम फंक्शन बता दिए, और क्या करता है वो भी लिखा हुआ है, तो वो भी नोट कर लेना, टीचर तुम्हारे किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, डीसीटी में ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या होता है, लास्ट दो लाइन में लिखा हुआ भी है, ये डेफिनेशन हो गया इन दोनों का, ये ध्यान रखना, ये भी पूछा हुआ है डिफाइन में, ये कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा ये पार्ट कंप्लीट होता है इसका फंक्शनिंग। अब इसके बारे में क्या क्या बता रहा है, ध्यान से सुनो, कुछ अभी नेम दी फॉलोइंग का अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी आने वाला है, तो ध्यान से सुनना। यूरिन एक्सक्रीशन, तो यूरिन बन चुका है पूरा, फाइनल यूरिन पैसेज इनटू कलेक्टिंग डक्ट इनटू द पेल्विस एंड थ्रू द यूरेटर इनटू यूरिन, सब तुम लोगों को पता है। और पेरिस्टाल्सिस आ गया, तुम लोग पेरिस्टाल्सिस पढ़ा था जब फूड का मूवमेंट पढ़ाए थे तब भी, और यहाँ पे भी, यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ यूरेटर्स एंड ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी कोई भी चीज को नीचे की तरफ खींचता है। यूरिन इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू द यूरेथ्रा। ठीक है, ये भी बता दिया गया तुम लोग को, बाय रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर मसल्स अंडरलाइन करो ये चीज, लोकेशन दिया हुआ है, लोकेटेड एट दी ओपनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, क्या है, स्फिंक्टर मसल्स का लोकेशन, अंडरलाइन करो और एलओसी लिखो, लोकेशन एंड यूरेथ्रा तक, बस यूरेथ्रा तक। ठीक है, और बताए थे ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, एक इनवॉलेंट्री एक्शन है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्चुरेशन। सेकेंड टाइम आ गया, पहले भी बताए थे, तो ये चीज ध्यान रखना। यूरिन जो बॉडी के थ्रू पास हुआ है बाय द एक्शन ऑफ स्फिंक्टर मसल्स, ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्चुरेशन। क्या बुलाते हैं, मिक्चुरेशन। किसी को कोई कंफ्यूजन है यहां तक, अब यहाँ पे याद करने का दो तीन चीजें, ठीक है। अब देख क्या लिखता है, कलर येलो कलर, हम तुमको बोल रखे हैं कि येलो कलर पहले ही दिन बताए थे, येलो कलर किसके कारण से होता है, ड्यू टू अ पिगमेंट जिसको क्या बुलाते हैं, यूरोक्रोम बुलाते हैं, जिसको क्या बुलाया जाता है, यूरोक्रोम। तो ये चीज ध्यान रखना, यूरिन का जो कलर होता है वो किसके कारण से होता है, यूरोक्रोम के कारण। दूसरा चीज यहाँ पे क्या बता रहा है, पीएच 5-8 के बीच में होता है, यूरिन का स्मेल बहुत खराब होता है, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है भैया, ये जो है यूरिया निकाल रहा है। ठीक है, तो लिखता है ऑन स्टैंडिंग द स्मेल ऑफ यूरिन बिकम स्ट्रॉन्ग अमोनिया लाइक ड्यू टू बैक्टीरियल एक्टिविटी अदरवाइज फेंट स्मेल। तो ये चीज ध्यान रखना, जो भी पब्लिक टॉयलेट से वो बहुत गंदा स्मेल करता है, तो कारण यही है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, जो ये आपका अमोनिया निकालता है, और अमोनिया तुम लोग पढ़ा हुआ है यूरिया का ही बाय प्रोडक्ट, यूरिया से टूट के बनता है। तो तुम लोग जो चैप्टर पढ़ा है अमोनिया चैप्टर, कॉन्साइज में देखना, उसका रिएक्शन दिया हुआ है कि जब यूरिया टूटेगा ना CuNH2O2, तो वो कौन सा गैस निकालता है, अमोनिया गैस निकालता है, और तुम लोग सब जानता है अमोनिया का जो ऑर्डर होता है क्या होता है, फॉल ऑर्डर होता है। तो वही चीज यहाँ पे बताया, ठीक है। अब वीडियो कनेक्ट होगा तब हम तुम लोग आगे का बताएंगे, बहुत बच्चा भागा है, अभी हम तुम लोग अटेंडेंस लेते, रुक नहीं, ओके। अब यहाँ पे देख क्या लिखता है, कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन। तो यहाँ पे लिखता है क्या, ध्यान से सुन, लिखता है द नॉर्मल ह्यूमन यूरिन कंसिस्ट ऑफ अबाउट 95% ऑफ वाटर एंड 5% ऑफ सॉलिड वेस्ट, जिसमें तुम्हारा कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट रहता है। तो यहाँ पे एक कंपाउंड का नाम देखो, क्रेटिनिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। तो इसमें तुमसे पूछ सकता है ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन, तो ये देख ले क्या क्या है, इनऑर्गेनिक में क्या है वो भी देख ले।
फिर आता है यहाँ पे एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन। तो एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन क्या है? ब्लड सेल्स, ठीक है, जिसमें तुम्हारा नोन एज हेमेचुरिया। इन दिस ब्लड कंडीशंस ब्लड पासेस विथ यूरिन। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन आता है वो सुन, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछेगा एक कंडीशन बताओ जिसमें यूरिन के साथ ब्लड पास होता है, ठीक है, तो वो कंडीशन को क्या बुलाया जाता है? हेमेचुरिया बुलाया जाता है। बहुत बार बहुत हाँ मोनल, मोनल मेरा आवाज आ रहा है, मोनल मेरा आवाज आ रहा है तुम लोग को, मेरा आवाज आ रहा है तुम लोग को, मेरा आवाज आ रहा है, हेलो मेरा आवाज आ रहा है तुम लोग को? नहीं भैया। चल देख यहाँ पे, हाँ तो फिर वही है, जैसे ब्लड पास हो जाता तो क्या होता है, ये किसके कारण से हो सकता है? इट इज ड्यू टू सम इन्फेक्शन इन यूरिनरी ट्रैक, ठीक है, यूरिन पाथ में क्या हो सकता है? कोई भी इन्फेक्शन के कारण या किडनी स्टोन के कारण या इवन ट्यूमर के कारण क्या हो सकता है? वो ब्लड पास कर सकता है, तो इस कंडीशन को क्या बुलाते हैं? हेमेचुरिया। सुगर के एक्सेस के कारण हो जाता है, ठीक है, तुम लोग ये तो जान ही रहे, इन्हें कंडीशन कॉल ग्लाइकोसूरिया। एक्सेस ग्लूकोज पासेस विथ यूरिन ड्यू टू डायबिटीज मेलिटस। हम तुमको बताए थे कल परसों में कि हम लोग का जो लीवर होता है, लीवर क्या करता है? ग्लूकोज को तोड़ता है, तो ग्लूकोज को तोड़ता है क्या चीज में? ग्लाइकोजन में चेंज करता है, तो ये दोनों काम करता है। अगर भैया ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो ग्लूकोज का कंसेंट्रेशन बॉडी में बढ़ने लगेगा, तो ग्लूकोज के कंसेंट्रेशन बढ़ने के कारण क्या होगा? डायबिटीज हो जाएगा बॉडी को, उसको कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। और बहुत बार ऐसा हो जाता है कि ग्लूकोज का मात्रा बढ़ने की जगह कम हो गया, कारण क्या हुआ कि ग्लाइकोजन तो बन गया लेकिन वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसको कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, दो डायबिटीज होता है, चीनी ज्यादा होता है, चीनी में कमी हो जाता है, तो दोनों प्रॉब्लम करता है। पढ़ोगे एंडोक्राइन सिस्टम में तो वही चीज बताया, अगर ज्यादा हो जाता है यूरिन में अगर पास कर रहा है तो उसको ग्लाइकोसूरिया बुलाते हैं। फिर यहाँ पे देख क्या बोलता है, एक और चीज यहाँ नया बताया है, ये तुम लोग को दो चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसीलिए हम तुमको बताते थोड़ा सा। टेस्ट ऑफ यूरिन, नॉर्मली इट इज सॉल्टिश, व्हेन स्वीट इज द कंडीशन मे बी ड्यू टू डायबिटीज, यूरिन कंटेन्स सुगर। तो यूरिन टेस्ट होता है डायबिटीज, डायबिटिक पर्सन का, कंटेन्स सुगर ग्लूकोज ड्यू टू इनसफिशियंट इंसुलिन। आया ना वर्ड इंसुलिन, क्या करता है इंसुलिन तुम ही लोग बता, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करता है? ग्लाइकोजन। और ये काम कहाँ हो रहा है? ये काम भैया लीवर में हो रहा है। ये काम कहाँ पे हो रहा है? लीवर में हो रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना है तुम लोग को। लिखता है यहाँ पे ड्यू टू इनसफिशियंट इंसुलिन, ये इंसुलिन कम है इसलिए ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा और हम लोग के बॉडी में चीनी का मात्रा ज्यादा बढ़ जा रहा है। एंड एंड्स गैदर टू लिक द यूरिन ऑफ ए डायबिटिक पर्सन, एक गिव रीजनिंग का क्वेश्चन ये भी हो गया। When tasteless, ठीक है, tasteless है, it is due to much water in the urine, a condition called diabetes insipidus। अब उल्टा हो गया यहाँ पे, चीनी का मात्रा बहुत कम हो गया, ये किसके कारण होता है? एक हार्मोन की insufficient secretion के कारण, जिसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। लिख लो फुल फॉर्म अगर लिखना है, ADH का फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, ADH का डाईयूरेटिक, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया ADH। एल्बुमिन फिर एक कंडीशन होता है जिसमें क्या हो जाता है, इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ वुमेन्स कैप्सूल मेम्ब्रेन ऑन अकाउंट ऑफ बैक्टीरियल इंफेक्शन, दिस कंडीशन इज नोन एज एल्बुमिनुरिया। ठीक है, तोड़ तोड़ के याद करेगा, याद हो जाएगा। तो अब ये दिया हुआ है तो तुमको याद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। बाइल पिगमेंट बताए थे बिलिरुबिन, ठीक है, ड्यू टू एनीमिया हेपेटाइटिस, जिसको जॉन्डिस हो जाता है दिखता होगा, पीला कलर हो जाता है यूरिन का, आंख का, उंगली का, उंगली मतलब नेल्स का। तो ड्यू टू एनीमिया हेपेटाइटिस जॉन्डिस और लीवर क्यूरोसिस यूरिन में कंटेन बाइल पिगमेंट। और तुमको बताए थे बाइल जो होता है फीकस को रेड कलर बोलते हैं, येल्लो कलर देता है, तो यहाँ पे यूरिन को भी वो क्या दे रहा है? येल्लो कलर। बाइल पिगमेंट का नाम बता देते बिलिरुबिन, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये सारा चीज बताया है किस कंडीशन में क्या हो जाता है, जिसको तुमको ध्यान रखना है। एक लास्ट टॉपिक है जो अभी तुमको बताए थे ADH हार्मोन के बारे में, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ADH हार्मोन जो होता है वो कौन निकालता है? वो पिट्यूटरी ग्लैंड निकालता है, जो मटर का दाना जितना होता है, जो नेक्स्ट चैप्टर भी है तुम्हारा एंडोक्राइन सिस्टम का, उसमें पढ़ोगे मटर के दाना जितना होता है और कंट्रोल्स दी ऑल अदर ग्लैंड्स, ठीक है, सिक्रीशन ऑफ ऑल अदर ग्लैंड्स। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एंड डायूरेसिस
क्या लिखता है, कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन बाय वाटर एब्जॉर्प्शन इज कंट्रोल्ड बाय एंटी डायुरेटिक हार्मोन सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये बता रहा है कि हम लोग का जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो बहुत सारा हार्मोन्स निकालता है जिसमें से एक ADH है। तो ADH कंट्रोल करता है क्या चीज को, कितना यूरिन कभी ज्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, तो उसको ये कंट्रोल करता है, वही चीज यहाँ पे बताया है। और कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट होता है, ये इतना सही बताया है। ठीक है, और तुम लोग का जहां तक रहा टेस्ट का, एक मिनट।